नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है जिसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए तथा आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। गद्यांश कुछ इस प्रकार है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं पर घनी मूछे चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं, पाँवों में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद अर्थात फीते ठीक से नहीं बंधे हैं, लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, दाहिने पाँव का जूता ठीक है मगर बाएं पाँव में मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है, मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है, सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, नहीं इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, ये जैसा है वैसे ही फ़ोटो में खिंच जाता है। विद्यार्थियों आइए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। लेखक के सामने क्या है, इसमें कौन क्या कर रहा है। विद्यार्थियों इसी गद्यांश में से हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। सभी देखें ध्यान से, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, ये वाली पंक्ति जिसको मैंने अभी रेखांकित किया है, यहाँ से लेकर इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा कि जो चित्र है सामने उसमें पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। क्या होगा उत्तर इसका, लिखेंगे हम कुछ इस प्रकार से। लेखक के सामने क्या है, लेखक के सामने एक चित्र है, इसमें कौन क्या कर रहा है, इसका उत्तर होगा पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहा है। कौन खिंचा रहा है, प्रेमचंद। तो उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, लेखक के सामने एक चित्र है, तस्वीर है जिसमें प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। आइए विद्यार्थियों दूसरा प्रश्न देखते हैं। गद्यांश में प्रेमचंद जी किस वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। वेशभूषा कहा जाता है कपड़ों को, तो उत्तर यहाँ से देखिए आप सभी, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपट्टी चिपकी है, तो बस आपको कपड़ा इतना ही बताना है, वेशभूषा सिर्फ इतना ही जितना मैंने अंडरलाइन किया है कि सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, इतना ही इसका उत्तर। इसके पश्चात प्रश्न संख्या तीन देखें, प्रेमचंद के जूतों के बारे में क्या बताया गया है। विद्यार्थियों इसका भी उत्तर हमें इसी गद्यांश में से ढूंढना है। प्रेमचंद के जूतों के बारे में क्या बताया है कि कैनवस के जूते हैं, जहाँ से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप वहीं से उत्तर लिखेंगे, कैनवस के जूते हैं जिनके बंद अर्थात फीते ठीक से नहीं बंधे और लापरवाही से उपयोग करने के पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, कुछ उस प्रकार का जूता हो गया है। तो प्रेमचंद के जूतों के बारे में क्या बताया है, इसका उत्तर फिर से सुने, कैनवस के जूते हैं जिनके बंद अर्थात फीते ठीक से नहीं बंधे हैं और उनमें से बंद के सिरों में से लोहे की पतरी निकल गई है जिनमें छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, कुछ इस तरह का जूता बन पड़ा है। आइए इसके अतिरिक्त ये भी होगा कि और जो बाएं पांव का जूता है उसमें छेद हो गया है, इस वाली पंक्ति को ध्यान से देखें और इसको भी आप, जिसको मैंने एकदम रेखांकित करके ढक दिया है उसे ज़रूर देखें, उस वाली पंक्ति को भी आप अपने उत्तर में ऐड करेंगे कि बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे उंगली बाहर निकल रही है। तो उत्तर तीसरे का इस प्रकार होगा कि कैनवस के जूते हैं जिनके बंद सिरे जो हैं उसमें फीते ठीक से नहीं बंधे और बाएं जूते में छेद हो गया है।
फिर से एक प्रश्न आया, चौथा प्रश्न, बाएं जूते में क्या परेशानी है? बाएं जूते में परेशानी है कि उसमें छेद हो गया है। इतना ही इसका उत्तर होगा। और इसके अतिरिक्त आप इसमें और जोड़ सकते हैं कि उसके उस जूते के उस छेद में से उंगली भी बाहर निकल पड़ी है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, आप फोटो खिंचाने के लिए किस प्रकार तैयार होते हैं? आप सभी जानते हैं इसका उत्तर आपको अपनी समझ के अनुसार करना है। उदाहरण के तौर पे आप सब जानते हैं कि यहाँ पे प्रेमचंद जी बिना सजे धजे बिना पोशाक बदले जो जूते हैं फटे हैं, कैनवस कैसे भी या उसके कपड़े मतलब जूते के कैसे भी हो गए हों, वो एज इट इज़ वैसे ही जाके खड़े हो गए हैं। लेकिन हम सभी फ़ोटो खिंचवाने के लिए चाहे एक नॉर्मल सी ही फ़ोटो किस प्रकार तैयार होते हैं, क्या क्या तैयारियां करते हैं, आपको वो कल्पना से खुद से सोचना है और उसका उत्तर खुद से लिखना होगा। धन्यवाद। आज की कक्षा के लिए इतना ही।